मुसलसिल कल रात से लेके अभी तक जितने लोग मुस्लिम ट्रेडर्स खासतौर पे जो जानवर लेके आ रहे हैं ईद उल अधा के लिए कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों पे मुस्लिम ताजिरों का जानवर खींचने की शिकायत आ रही है कल रात से। आज से कुछ दिन पहले हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब उलमा मशायखीन के दरमियान बैठकर एक वादा किए थे कि ऐसा कोई हरासमेंट नहीं होगा। कुछ दिन पहले दो दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जाके डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात किए, बड़ा बयान आया अखबार में कि कोई मुस्लिम ताजिर को परेशान नहीं करेंगे। कल जो है हमारे वक्फ चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब जो जमैतुल कुरैश के भी सदर है उन्होंने खुद जाके होम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर साहब हिदायत दिए कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि कुछ ऐसा काम नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ जो ताजिर है जो लोग जानवर ला रहे थे कल रात से, मेरे साथ हमारे जनाब अयाज साहब है और इब्राहिम शरीफ साहब है, ये लोग जो है नागार्जुना सागर रोड मल्लेपल्ली गांव से वहां से कल जानवर खरीदे, पूरे तमाम बैल थे वहां से जानवर लेकर आ रहे थे। चिंतलपल्ली पुलिस स्टेशन में वहां के एसआई इनका जानवर रोके, 4 लाख रुपए का इनका जानवर और 4 लाख रुपए का इनका जानवर, गाड़ी का नंबर TS12UA0198 और एक गाड़ी का नंबर AP36 2522, इसके अंदर 20 जानवर इसके अंदर 19 जानवर। रात में इनको जानवर रोके, यहां से गौशाला जियागुड़े गौशाला में इनका जानवर ले जाके रख दिए और उसके बाद में इनका टेलीफोन खींचिए। अब आप मुझे ये बोलिए कि अगर कोई गलती किया है तो इनका टेलीफोन, इनके पैसों की पाकिट, रात भर इनको पुलिस स्टेशन में बिठा के इनके ऊपर क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट केस बुक करें। ये क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ये पुलिस वालों को आप बकरीद में क्यों याद आता बोलिए आप। अच्छा ये हो गया। फिर कल रात में जो है मोहम्मद नवाज जो याकूबपुरे के रहने वाले साहब है इन्हों खम्मम से जानवर खरीद के ला रहे थे, 3 गाड़ी इनका इन मुख्तलिफ लोगों का TS08 B6 1560 TS11 BA 8011 AP28 TC 1129 जुमला तकरीबन 20 लाख रुपए का जानवर 3 गाड़ी में रोकी है। कल रात से सूर्यापेट टाउन पुलिस स्टेशन में 11 मुसलमानों को गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। 11 हमारे पुराने शहर याकूबपुरा चंद्रायन गुट्टे के लोग हैं जो जानवर ला रहे थे वो गिरफ्तार है। आज से तकरीबन 8 दिन पहले बीबी नगर पे अब्दुल अहद अब्दुल अजीज बीबी नगर चेक पोस्ट के एसआई सुपरिटेंडेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इनके 23 जानवर रोकिए इनके, आज लेके जाके प्राइवेट गौशाला में डाले वहां पर बीबी नगर के। आज 10 दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर फिर रहे लेकिन इनका जानवर इनको नहीं दे रहे, तकरीबन इनका लाखों का नुकसान हो गया। तो ये जो अखबार में बयान आ रहे मैं उन एडिटर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये गैर जरूरी ये फालतू लोगों के बयान डाल के आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। ये जो ताजिर परेशान है इनका भी कुछ आप करिए। और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बिचारे उलमा मशायखीन के दरमियान में आप वादा करें लेकिन फिर वही मुझे बोलने पर मजबूर हो रहा कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुप चुप के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिचारे। लेकिन जुल्म बढ़ते जा रहा। केसीआर साहब से और केटीआर साहब को भी मैं मैसेज किया, केटीआर साहब के पर्सनल फोन पे मैसेज करके बताया मैं, उसके बाद में भी कुछ नहीं हो रहा। साइबराबाद रच्चाकुंडा हैदराबाद में ये तीनों कमिश्नरेट में रोजाना कोई ना कोई केस हो रहा। अगर जानवर ला रहे तो पाकिट पैसों की पाकिट क्यों खींच रहे पुलिस वाले बताइए, फोन क्यों ले रहे पुलिस वाले, टू व्हीलर पे पीछे आदमी आ रहा उसका टू व्हीलर खींच ले रहे और रोजाना ये बोल रहे कि टीआरएस की हुकूमत मुसलमानों के लिए फायदेमंद है मुसलमानों के हक में है, क्या ये है बतलाइए आप। जो उलमा मशायखीन जो मीटिंग लिए थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कहां है वो लोग, आज जाओ जाके उनका गल्ला गिरेबान पकड़ के उनसे पूछिए कि आखिर क्या है। मनीलित बचाओ तहरीक की तरफ से हुकूमत को वार्निंग है, अगर आज रात में या कल ये सिलसिला जारी रहा तो मैं यकीन से ये कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में बकरीद से पहले मजलिस बचाओ तहरीक हैदराबाद बंद का ऐलान करेंगी। ये जुल्म को फिल वक्त रोकना चाहिए, ये
एक तरफ गौरक्षकों का जुल्म हो रहा, मार के सामान खींच ले रहे, माल खींच ले रहे, दूसरी तरफ ये आरएसएस की चड्डी पहने हुए पुलिस वाले जो है ये जानवर खींच रहे। मुझे ये मालूम हुआ कि पुलिस के आला अहदेदार हर सब इंस्पेक्टर को डेली 10 केस बुक करना, 10 गाड़ी माल पकड़ना बोल के उनको जबरदस्ती किए हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से मेरा मुतालिबा है, केटीआर साहब से मेरा मुतालिबा है कि जल्द से जल्द इस जुल्म को रोकना चाहिए। नहीं रुकेगा ये जुल्म तो इंशाल्लाह मजलिस बचाते ही हैदराबाद बंद का ऐलान करेंगी। अगर कोई हालात खराब होंगे तो इसकी राज जिम्मेदार टीआरएस पार्टी रहेंगी, इसकी राज जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, इसका राज जिम्मेदार इसका तेलंगाना सरकार रहेगी। हाँ भाई, मैं फिसलबंडे का रहने वाला हूँ। जो मैं कल जानवर लाने के लिए मल्लेपल्ली गांव से 3 किलोमीटर दूर में कांडे के वहां जाके जानवर खरीदा और लेके आ रहा था, उस टाइम फिसलबंड चिंतापल्ली भर के आ रहा था मैं 4-5 बजे के दरमियान में, तो चिंतापल्ली चेक पोस्ट में पुलिस वाले एएसआई साहब हमारी गाड़ी रुकाए, रुका के हम ही बदला गाड़ी है सर जानवर है, बोले तो नहीं गाड़ी रोक देना, कौन भी आपको परमिशन ये पूछे। उसके बाद हम जानवर लेके आए, वैसे बोले तो नहीं गाड़ी पीछे लगा दो, आपकी जानवर की गाड़ी पकड़ी गई है, अपडेट होगा और लिहाजा पीछे लगाओ, नहीं तो मीडिया आते हैं, लोग आते लगाते बोले। उसके बाद हमारे कोना ले लिए, गाड़ियां जो है पकड़ के जो है सी सर को बुलाए, वहां पे पंचनामा करे, उसके बाद जो है ना हमारे को 10 बजे रात तक वैसे बिठा के फिर वहां से गौशाला जो है सो हमारे साथी ले लेके हम लोग सीधा गौशाला को आए, बस जिया बुरा गौशाला में जानवर डाल दिए, पूरा एंट्री करा दी ये सही साफ साफ से। उसके बाद फिर गाड़ी लेके आए, हमारे को पुलिस स्टेशन लेके गए, पुलिस स्टेशन में रखे हमारे को सुबह छोड़े। हम लोग फिजिकल आईडी कार्ड है बोले, रिक्वेस्ट करके भी फिजिकल आईडी कार्ड है बोल के भी बोले, साफ नहीं सुने हमारी बात। इतना भी क्या है, उन्होंने फिर 2 गाड़ियां आए, इतना बोले तो भी साफ जो है ना तुम्हारा कामा में जैसी है वही का हमारे जो है ना पकड़ के वो करके जो है ना सुबह छोड़े। अभी भी फोन वही है, हमारे फोन भी वही रखिये, सो वही रखिये साहब। मैं इब्राहिम शरीफ हूँ, बाबा नगर का रहने वाला हूँ। जब जनवरा लाने के लिए मल्लेपल्ली गया था, कंडे में गया था, ला सकते बोले तो पैड़ा पाड़े बैला ला सकते बोले तो गए हम लोग, पैसे लेके कुछ होता माल ला कर नुकसान हुआ। हाँ, 4-5 लाख का माल है साफ, खरीद लेके 20 बैल में खरीद लेके ले आ रहा था माल के खरीद, चेकपोस्ट पे रोके ऐसे साहब रोक के केस करके हम लोग वो करके शाम के 10-11 बजे तक बिठा के वहां से फिर माल लेके जाके वहां गौशाला में उतार दिया, गौशाला में उतार दी, फिर गाड़िया हमारे जो डी सी एम आके लेके जाके चिंतापल्ली पीएस में रख दे के हम लोग सुबह छोड़ दिए साहब। हम लोग बहुत परेशान कर रहे, बहुत करने के वास्ते तो हम करे पाड़े बैला ला सकते बोले तो पेपर में दिए, उसमें दिए तो बोले तो जीने के लिए हम कोशिश करके लाने गए थे साहब, पैसे मिलती फिजिकली हैंडीकैप हूँ मैं, इंटरेस्ट पे पैसे वही ले लेके कुछ ना कुछ होता रोके जीने के लिए गया था साहब, लाए तो ऐसा ऐसा परेशान करके हमारा माल गौशाला में डाल के हमको परेशान कर दिया साहब। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद इलियास हूँ मैं, मेरे भाई 2 भाई है मेरे, ये लोग जानवर लेकर आ रहे थे मल्लेपल्ली के आगे से, ये लोग का जानवर चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन वाले जुलूम करके खींच लिए जानवर, ये माल के शरीर में चेक पोस्ट डाले, पूरा बैल है जानवर में, ये लोग भी 2 भी बेचारे हैंडीकैप है ये लोग, और इनका जानवर खींच लिए के सोना खींच लिए मालूम ही नहीं। हम रात भर हम फोन करते रहे, सोना बंद है ये लोग के, फोन बंद, सुबह में ये लोग आए घर को है, क्या हुआ बोले तो ऐसे ऐसे वाक़ा सुना, ये लोग का माल के 8 लाख का माल है 2 जनों का, ये 2 जने इधर उधर करके पैसे ले गए आके वो करे माल खरीद के लेके आ रहे थे, पुलिस वाले जुलम करके खींच लिए मारे, पैसे खींच लिए ये लोग के, गाड़ी जब्त कर लिए, फेसबुक कर लिए, सोना खींच लिए, ऐसा जुलम कब तक होगा साहब? रोज बयान आ रहे MIM वालों के जरिए से मालूम हुआ, डिप्टी सीएम साहब से मालूम हुआ, अपने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से मालूम हुआ कि कोई भी नहीं रोकेंगे, बैल ला सकते, गाय नहीं लाना हो तो गाय नहीं लेके आ रहे, बैल ही ला रहे थे, बैल ला रहे तो भी ये ऐसा कैसा है जुलूम, गरीब लोगों के ऊपर मारना खींचना वो करना, पुलिस वाले भी हरासमेंट कर रहे, बहुत जुलूम कर रहे, मगर इसके ऊपर केसीआर साहब केटीआर साहब से गुजारिश है कि टेक एक्शन ले और पनिशमेंट दे जो को सब।